हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फेरे की रस्म के दौरान खुली पोल औरैया के जनितपुर में गुंगा दूल्हा देख सुबह फेरे के समय दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। मामला तब खुला जब दुल्हन के मामा ने किसी बात को लेकर दूल्हे से बात करनी चाही तो दूल्हा साफ बोल नहीं पाया। इसके बाद मामला बिगड़ गया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की। दुल्हन की ओर से ससुराल जाने से इनकार करने पर बिना दुल्हन के बारात लौट गई। चर्चा ये भी है कि लड़की नाबालिग है। सदर कोतवाली के ग्राम जनितपुर धरेरा का है। यहाँ पर हमीरपुर जनपद के मिश्रीपुर गांव से बारात आई हुई थी। रविंद्र राजपूत का पुत्र प्रदीप अपनी बारात लेकर ग्राम धरेरा आया था। सारी रस्में पूरी होने के बाद सुबह जब फेरे की रस्म होने जा रही थी तभी लड़की के मामा ने वधू की नाबालिग उम्र का हवाला देते हुए शादी पर ब्रेक लगा दिया। वहीं इस बीच लड़की ने भी दूल्हे के गूंगा होने की बात सुनते ही शादी करने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों में काफी देर तक बातचीत हुई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। गांव के संभ्रांत लोगों ने भी दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया। इसी बीच लड़की ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर इंडियन ऑयल चौकी प्रभारी फोर्स के साथ गांव पहुंचे और दोनों पक्षों से जानकारी ली। लड़की द्वारा शादी से इनकार करने पर बाराती बिना दुल्हन के घर वापस लौट गए। औरैया थाना अंतर्गत जनहितपुर गांव में कल रात में एक बारात आई थी हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना अंतर्गत मिश्रीपुर गांव से। बारात आने के पश्चात रात में लड़की को ये जानकारी मिली कि ये लड़का बोल नहीं पाता है। इसकी शिकायत उसने अपने मामा से की। मामा ने फिर पुलिस को सुबह इन्फॉर्मेशन दिया और पुलिस पहुंची मौके पर। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि लड़की अभी नाबालिग है और पिता उसकी बिना इच्छा से शादी करना चाह रहा था। लड़की की इच्छा के अनुसार उसकी शादी फिर नहीं हुई। बारात वापस लौट गई और आपस में लोगों ने समझौता करके जो सामान वन दिया गया था उसको वापस कर दिया। बता दें कि दूल्हा सफाई कर्मचारी पद पर हमीरपुर में तैनात है। लड़की के पिता प्राइवेट कार चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं गांव में चर्चा है कि लड़की नाबालिग है। ग्राम धरेरा निवासी नरोत्तम सिंह की पुत्री श्वेता की शादी में पैर पूजने की रस्म के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह पहुंचे थे। उसी दौरान लड़की की ओर से शादी से इनकार कर दिया गया जिस पर वो वापस लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।